राफेल का मामला अभी गर्मा गया है। पिछले हफ्ते राजस्थान की एक आम सभा में राहुल गांधी ने कहा, गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है। तब से सवाल उठने लगे हैं, क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर कहना चाहिए? क्या सचमुच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर है? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, खास करके राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कुछ दम है या ये ऐसे ही कीचड़ उछाल रहे हैं? राहुल गांधी ने जो किया है वो कोई नई बात नहीं है। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये स्लोगन तो बोफोर्स कैंप के जमाने में तैयार हुई थी। 30 साल हुए तब राहुल गांधी 17-18 साल के थे। उन्होंने ये देखा है कि अपने पिताजी पर कैसे विपक्ष कीचड़ उछाल रहा था। आज वही बात वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। आपको याद होगा 87-88 में बोफोर्स भ्रष्टाचार का मामला उठा था। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके मंत्रिमंडल में वीपी सिंह एक मंत्री थे। इस मामले को उठाकर वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था और वो एक ही रात में देश में हीरो बन गए थे। वीपी सिंह ने बाद में पूरे देश का दौरा किया था और भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। उनके साथ साथ राजीव गांधी कैबिनेट के और एक मंत्री अरुण नेहरू ने भी इस्तीफा दिया था। पूरा विपक्ष इनके पीछे इकट्ठा हो गया और बहुत बड़ा आंदोलन चला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 85 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब राजीव गांधी के कांग्रेस को 400 जगह मिली थी। लोकसभा में उनका बहुमत था, भारी बहुमत था, 400 सीट उन्होंने जीत लिए थे। अगले ही इलेक्शन में बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राजीव गांधी का पराभव हो गया। वो सरकार भी बना नहीं पाए। बीजेपी और कम्युनिस्टों के समर्थन पर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह के बाद देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बन गए। मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये सारे कांग्रेस विरोधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी सीबीआई बोफोर्स मामले में कोई सबूत इकट्ठा कर नहीं पाई। आखिरकार कोर्ट ने यह मामला रफा दफा कर दिया क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। सारी चीज जो थी वो राजनीतिक सभाओं में ही थी। राजीव गांधी कोर्ट से तो बरी हो गए, लेकिन उनके ऊपर जो धब्बा लगा वो आज भी नहीं मिटा है। जनता के मन में यह शक है कि बोफोर्स मामले में उन्होंने रिश्वत ली थी। आज नरेंद्र मोदी वही गलती कर रहे हैं। राफेल मामले में जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वो नए सवाल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यूपीए के जमाने में जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंच सरकार के साथ हुआ था वो नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। पहले 126 हवाई जहाज आने वाले थे, लड़ाकू विमान आने वाले थे, वो सिर्फ 36 हो गए। पहला सवाल तो इन लड़ाकू विमानों की कीमत पर है। विपक्ष का यह आरोप है कि मोदी सरकार ने पहले से भारी कीमत फ्रेंच सरकार को दी है या जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है उसको दी है। दूसरा सवाल यह है, जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह सरकारी कंपनी जो फ्रेंच कंपनी है लड़ाकू विमान बनाने वाली दसॉल्ट, इसके साथ वो ऑफसेट पार्टनर होने वाली थी। 2015 के पहले सारे सरकारी प्रवक्ता यही कह रहे थे, लेकिन जब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस चले गए, पेरिस में उन्होंने फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष फ्रांसवा होलांद से भेंट की, तब से सारा मामला बदल गया। अचानक अनिल अंबानी ही पिक्चर में आ गए। एचएएल की जगह
अनिल अंबानी के कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यह अचानक कैसे हुआ? इसमें किसका वेस्टर्न इंटरेस्ट था? क्या मोदी जी का वेस्टर्न इंटरेस्ट था? इससे मोदी जी को कुछ फायदा हुआ या बीजेपी को फायदा हुआ? इन सारे सवालों का जवाब जनता चाहती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या उनकी पार्टी नहीं दे रही। राहुल गांधी की आलोचना से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आक्रामक हो जाना भी बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन वो मोदी जी के समर्थन में बाहर तो आ गए, लेकिन ठीक तरह से उन्होंने युक्तिवाद नहीं किया। अगर वो मोदी जी को बचाना चाहते हैं, मोदी जी का समर्थन करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने राफेल के बारे में जो सवाल उठाए हैं, उनका जवाब उन्हें देना चाहिए। मोदी जी के समर्थन में डिफेंस मिनिस्टर से लेकर कृषि मंत्री तक सारे मंत्री आ गए, सिर्फ मोदी जी या अमित शाह नहीं आए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान मदद कर रहा है। मोदी जी ने तो एक आम सभा में यह भी कहा कि मेरे खिलाफ ग्लोबल अलायंस हो रहा है। आपको याद होगा जब 74 में इंदिरा गांधी मुश्किल में आ गए, उनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने भी विपक्ष पर यही आरोप लगाया था कि मेरे खिलाफ कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मोदी जी इंदिरा गांधी के रास्ते से क्यों जा रहे, ये मेरे समझ में नहीं आता। अगर राहुल गांधी को कोई मदद कर रहा है, पाकिस्तान हो या फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति हो, तो उसके लिए उन्हें सबूत देना चाहिए। अगर रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकार है, इन दोनों को वो जेल में भेज सकती है। लेकिन ये करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर राहुल गांधी पर कीचड़ उछालते हैं, तो इसका कोई असर जनता पर नहीं होगा। जनता चाहती है कि मोदी जी राफेल के बारे में जो सवाल है उनका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कह रहे, देखिए मोदी जी को तो चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार मिल गया, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, क्या यह पुरस्कार राफेल मामले के लिए मिला है? इस पुरस्कार से राफेल ने जो सवाल उठाए हैं, उसका जवाब मिल सकता है? क्यों ये लोग कर रहे और मुसीबत में फंस रहे, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। बोफोर्स मामले में राजीव गांधी ने भी यही गलती की थी। अगर राजीव गांधी पहले से सारी बातें जनता को बता देते, तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन राजीव गांधी ने पहले से सारी इंफॉर्मेशन छिपाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने भी वही गलती की है। अगर मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी या विपक्ष उन्हें चोर न कहे, तो उनके पास एक ही विकल्प है, ट्रांसपेरेंसी। उनको जनता के सामने सारी बात रखनी चाहिए। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि राफेल हवाई जहाज की कीमत क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बदल दिया, या फिर अचानक अनिल अंबानी का प्रवेश इसमें कैसे हुआ। इन बातों को बताने से कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है या देश की सुरक्षा खतरे में आ जाती है, ये मानने के लिए मैं ये तैयार नहीं हूं। अभी जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी लोकसभा में कहा था कि हम ये जो हवाई जहाज है, राफेल विमान है, उसकी कीमत जनता को बता देंगे। लेकिन दूसरे भी नहीं, उन्होंने अपनी भूमिका बदल ली और कहा कि फ्रेंच सरकार के साथ हमारा सीक्रेसी एग्रीमेंट है, इसके कारण, गोपनीयता के कारण हम ये बात नहीं बता सकते। मोदी जी को जनता को यह बताना चाहिए यह सीक्रेसी या गोपनीयता क्या है, नहीं तो शक बढ़ जाएगा, सवाल उठेंगे। हर महीने मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन आज तक इतना बड़ा आरोप, इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर और उनके सरकार पर लगा है, लेकिन उन्होंने कोई मन की बात नहीं की है। मेरे मन में यह सवाल है कि मोदी जी कुछ छिपा रहे हैं, वो खुल के बात क्यों नहीं करते? अगर आपके पास छिपाने जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मोदी जी डर रहे हैं? सरकार के पास छिपाने जैसी कोई चीज है? दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में
उन्होंने ये सारी बात खारिज कर दी। अभी ये सारी चीज गई है कैग के पास। कैग अपना रिपोर्ट दिसंबर में पार्लियामेंट के सामने रखेगी। अगर उस रिपोर्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ आक्षेप है, कुछ आलोचना है, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन बोफोर्स और राफेल में एक फर्क है। बोफोर्स मामले में सारा विपक्ष वीपी सिंह के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया था और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत बना था। राफेल के मामले में सिर्फ राहुल गांधी ही बोल रहे, बाकी विपक्ष के जो नेता है जैसे कि मायावती हो, ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। शरद पवार ने इसी हफ्ते एक मराठी चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष राफेल के टेक्निकल डिटेल्स मांग रहा है तो उन्हें नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल डिटेल जो है वो जाहिर होने से खतरा बढ़ सकता है सिक्योरिटी को, पाकिस्तान को यह मालूम पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है, आज तक राहुल गांधी या विपक्ष ने कभी राफेल के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कोई मांग नहीं की है। सबकी मांग एक ही है कि राफेल हवाई जहाज की जो कीमत है वो सरकार को पब्लिक करनी चाहिए। तो शरद पवार के मन में यह सवाल कैसे पैदा हुआ, यह मेरे समझ में बात नहीं आती। विपक्ष की यह भी मांग है कि सरकार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठन करनी चाहिए। 2G मामले में भारतीय जनता पार्टी ने और सारे विपक्ष ने यही मांग की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उसको मानना भी पड़ा था। अगर मोदी सरकार के पास छिपाने जैसी कोई चीज नहीं है तो जेपीसी गठित करने में क्या समस्या है? अगर आप पार्लियामेंट को सर्वोपरि मानते हैं तो ये जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको जेपीसी को करना चाहिए। जेपीसी भी सर्वतोपरि है। जेपीसी में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एक पारदर्शी प्रक्रिया हो सकती है। सरकार उसके लिए तैयार क्यों नहीं है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। 2G के मामले में अगर जेपीसी हो सकती है, बोफोर्स के मामले में अगर जेपीसी हो सकती है, हर्षद मेहता कांड के मामले में अगर जेपीसी हो सकती है, तो राफेल के मामले में क्यों नहीं हो सकती? जब तक सरकार ये नहीं कहेगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देगी, तब तक शक बढ़ता रहेगा। और शक अगर बढ़ेगा तो लोग सवाल उठाएंगे। जैसे राजीव गांधी के बारे में लोगों ने सवाल उठाए थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी के बारे में लोग सवाल उठाएंगे। आज लोग उनको चोर कह रहे हैं या राहुल गांधी उनको चोर कह रहे हैं, मालूम नहीं। कल उठकर यह मामला अगर बढ़ जाएगा तो जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को डकैत भी कह सकती है। आपको याद होगा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हमेशा आलोचना होती है। वहां रॉबर्ट डी निरो जैसे बड़े जो एक्टर है वो भी ट्रंप को फक यू कहते हैं। वहां का लोकतंत्र जो है इतना पारदर्शी है, और अगर जो जनता आलोचना करती है उसकी आलोचना भी वहां के राजनेता ठीक तरह से लेते हैं। आज तक भारत में किसी भी विपक्षी नेता ने मोदी जी पर इतनी कड़वी आलोचना की नहीं है। राहुल गांधी ने भी उनको फक यू नहीं कहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा है कि गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है। अगर आप चोर नहीं है तो यह साबित कीजिए, लोगों के सामने सबूत रखिए। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने 2015 में फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ किया उसको खुलकर बताइए कि क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट, क्यों ये हवाई जहाज जो है उनकी संख्या कम हो गई, उनकी कीमत क्या है, अनिल अंबानी कैसे आए, सब आपको बताना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। अगर मोदी जी सच नहीं बताएंगे तो जनता समझ जाएगी कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, इन्होंने कुछ घोटाला किया है, और यह घोटाला मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है।